गुड मॉर्निंग सी एस पैरामेडिकल में हम किसकी क्लास देख रहे हैं? ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में हमारा क्या स्टार्ट हुआ है? गायनेकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट। गायनेकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट हमने कुछ देख लिए थे, हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट बचे हुए थे जो आज हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है? अच्छा, फर्स्ट बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने देख लिए थे, उसके बाद हमको जो देखना था वो कौन सी सीजर थी? कौन सी सीजर थी वो? एपिसियोटॉमी सीजर। कौन सी? एपिसियोटॉमी सीजर। ये क्या है? सीजर से मतलब, सीजर का मतलब क्या होता है? कैंची। ठीक है, तो इस सीजर का यूज किस गायनेकोलॉजी मतलब गायनिक में किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है इसका? जब क्या होता है? डिलीवरी होती है। क्या होती है? डिलीवरी। तो डिलीवरी के टाइम पे जो बेबी होता है उसको सही तरीके से बाहर निकालने के लिए, है ना, क्या कर दिया जाता है? माँ के वजाइना में थोड़ा सा इंसीजन दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रसव मतलब प्रसव पीड़ा मतलब डिलीवरी के टाइम पे जब हम बेबी को बाहर निकालते हैं या गायनेक में जब प्रसव डिलीवरी के टाइम पे बेबी को बाहर किया जाता है, बेबी आउट किया जाता है, उस टाइम पे अगर कहीं कट करने की जरूरत होती है ना, बेबी को आसानी से निकालने के लिए वजाइना पार्ट में अगर कहीं कट करने की जरूरत होती है तो हम किसकी यूज, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? एपिसियोटॉमी सीजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, सीजर का यूज कब करते हैं? गायनेक में करते हैं। और कब करते हैं? डिलीवरी के टाइम पे यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओवम फॉर्सेप्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है? ओवम फॉर्सेप्स। ओवम फॉर्सेप्स का अगर हम यूज की बात करें तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कब किया जाता है? जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? देखो, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा की जो पीसेस होते हैं ना, वो पीसेस माँ के किस में, अगर गर्भाशय में छूट जाते हैं, छोटे छोटे पीस जो होते हैं डिलीवरी के बाद या डीएनसी के बाद, जो भी छोटे छोटे प्लेसेंटा के पीसेस किस में छूट जाते हैं? माँ के यूट्रस में छूट जाते हैं या गर्भाशय में छूट जाते हैं। तो उन पीसेस को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओवम फॉर्सेप्स को। इस ओवम फॉर्सेप्स को यहाँ से पकड़ के माँ के यूट्रस में वजाइना के द्वारा गर्भाशय में डाला जाता है और गर्भाशय में जो भी टुकड़े होते हैं इसमें फंसा करके बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? ओवम फॉर्सेप्स का प्लेसेंटा के पीसेस को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो किस लिए किया जाता है? प्लेसेंटा के पीसेस को निकालने के लिए। अगर प्लेसेंटा मेम्ब्रेन अगर रह गई है तो उसको निकालने के लिए। गर्भ का उत्पाद कोई ऐसा टुकड़ा है जो किसमें रह गया, कुछ पॉलिप्स वगैरह है जो रह गए हैं गर्भाशय में, तो मतलब गर्भाशय में जो भी चीजें रह गई है उनको निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? ओवम फॉर्सेप्स का। उसमें क्या क्या हो सकता है? मेम्ब्रेन हो सकती है प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा के पीसेस हो सकते हैं, कुछ पॉलिप्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ मतलब बच्चे से ही रिलेटेड जो भी टिश्यू वगैरह ऐसे हैं जो किसमें रह गए हैं? यूट्रस में, जो माँ को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे, है ना, तो उनको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओवम फॉर्सेप्स का। अब हम बात करते हैं हैगस डायलेटर की। ये जो हैगस डायलेटर होता है ये धातु का बना हुआ होता है, पूरा ठोस होता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है हैगस डायलेटर का? हैगस डायलेटर का यूज किस लिए किया जाता है? प्रत्येक डायलेटर के ऊपर इसका एमएम का साइज दिया जाता है। इसे क्या? सर्विक्स को फैलाने के लिए। किसके लिए? सर्विक्स को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमको कोई पीसेस वगैरह निकालना है, क्या निकालना है? पीसेस निकालना है, तो डायरेक्ट हम ओवम फॉर्सेप्स नहीं डालेंगे वैसा यूट्रस में, पहले हम क्या करेंगे? सर्विक्स के द्वारा जगह बनाएंगे। तो सर्विक्स के द्वारा जगह बनाने के लिए हमको ये कितने साइज के होते हैं, मतलब कितने साइज के डायलेटर अवेलेबल होते हैं? कितने साइज के अवेलेबल होते हैं? ये अलग अलग साइज के अवेलेबल होते हैं ना, मतलब कुछ बहुत ही मोटा होता है, पतला, मतलब सबसे स्टार्ट होता है वो बहुत ही पतला होता है, फिर उससे थोड़ा मोटा, फिर उससे थोड़ा मोटा, फिर ऐसे होते हैं कि जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या माँ के वजाइना पे हम पहले सबसे पतला डायलेटर डालते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा मोटा, फिर उसके बाद थोड़ा मोटा, ऐसे डायलेटर करके धीरे धीरे क्या करते हैं? सर्विक्स का हम साइज बढ़ाते हैं। और सर्विक्स का साइज बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? हैगस डायलेटर का यूज किया जाता है। या सर्विक्स को फैलाने के लिए किसका यूज किया जाता है? हैगस डायलेटर का। तो अभी हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखा? एपिसियोटॉमी सीजर देखा। इस सीजर का यूज किस लिए किया जाता है? डिलीवरी के टाइम पे कट करने के लिए इसे सीजर का यूज किया जाता है। फिर हमने ओवम फॉर्सेप्स देखा। ओवम फॉर्सेप्स यूट्रस में कोई भी ऐसी चीजें गई है ना, प्लेसेंटा के पीछे
करते हैं, ओवर फॉसेट का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हैगस डायलेटर की। तो अगर हम हैगस डायलेटर की बात करें तो सर्विक्स का साइज बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हैगस डायलेटर का। इसमें इसका साइज ऊपर एमएम में दिया होता है कि कितने एमएम का है, ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हॉकिंस यूट्रस डायलेटर, ठीक है। हॉकिंस यूट्रस डायलेटर की अगर हम बात करें तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, इसके साइज कैसे होते हैं, इसके साइज कैसे होते हैं, इसके साइज भी मतलब ये 16 साइजों में अलग अलग होता है। और इसका यूज भी सर्विक्स को फैलाने के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, सर्विक्स को फैलाने के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का। किस किस का, हैगस डायलेटर का यूज किया जाता है सर्विक्स को फैलाने के लिए, और हॉकिंस यूट्रस डायलेटर का यूज भी किस लिए किया जाता है, सर्विक्स को फैलाने के लिए। फिर उसके बाद यूटेराइन साउंड, यूटेराइन साउंड से हमको क्या समझ में आ रहा है, हमारे गर्भाशय की लंबाई को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, यूटेराइन साउंड, यूटेराइन साउंड का यूज। अच्छा बताओ, यूरिनरी ब्लैडर का साइज और स्टोन नापने के लिए हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था, ब्लैडर साउंड का, और ये कौन सा है, यूटेराइन साउंड का। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, हमारा जो महिलाओं में या फीमेल में जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, तो उस यूट्रस की साइज को मापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रीन यूटेराइन फॉर्सेप्स, कौन सा, ग्रीन यूटेराइन फॉर्सेप्स। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन मतलब क्या कहलाता है, सीजर, बच्चे वाला ऑपरेशन है ना। सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन के टाइम पे जो गर्भाशय का जो नीचे वाला खंड होता है कि किनारों को जगड़ कर रक्त स्राव को रोकने के लिए, अच्छा ठीक है, यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे क्या होता है, जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा ब्लीड करता है, क्या करता है, ब्लीड करता है। तो उस ब्लीड को रोकने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को फंसा देते हैं ना, फॉर्सेप है तो क्या करेगा, ये ब्लीडर्स को बंद करेगा, फॉर्सेप मतलब होल्ड करके रखेगा, समझ में आया ना, फॉर्सेप क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। इसमें भी फॉर्सेप में लॉक डिवाइस है ना, हम क्या कर देंगे, किसी भी चीज को लॉक कर देंगे ना। जो यूट्रस होता है वो यूट्रस दोनों साइड से, जो यूट्रस होता है वो यूट्रस दोनों साइड से किससे जुड़ा होता है, फॉलोपियन ट्यूब से, किससे जुड़ा होता है, फॉलोपियन ट्यूब से। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लीड करता है, तो हम एक साइड से और दूसरे साइड से कौन सा इंस्ट्रूमेंट फंसा देते हैं, ग्रीन यूटेराइन फॉसेप, समझ में आया सबको। उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कौन सा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी है ना। एंडोमेट्रियल बायोप्सी अगर हम बात करें तो बायोप्सी समझ में आ रहा है कि इसका यूज किस लिए किया जाता होगा, बायोप्सी लेने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, एंडोमेट्रियम से खोचे पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद सर्वाइकल बायोप्सी, सबको समझ में आ रहा ना, मैंने पहले बताया था कि सब लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लोगे, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लोगे तो गायनेक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके यूज आपको समझ में आने लगेंगे, जिसने पढ़ा होगा उसको समझ भी आ रहा होगा। किसने किसने पढ़ा है, एक ही बंदे ने बस पढ़ा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अभिषेक तुमने पढ़ा, वैशाली तुमने पढ़ा, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सर्वाइकल बायोप्सी। सर्वाइकल बायोप्सी से भी क्या समझ में आ रहा है, सर्वाइकल से, जैसे सर्वाइकल में कोई टिश्यू है, फाइबर्स है, या कोई ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, जिसका हमको टेस्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, सर्वाइकल से इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा क्या ली जाती है, बायोप्सी ली जाती है, क्या कर, जो भी टिश्यू है, जो भी जो भी ऐसा सब्सटेंस है, तो क्या अगर कैंसर का ही टिश्यू है, कोई फाइब्रस है हमारे सर्वाइकल में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बायोप्सी लेके टेस्ट कराना पड़ेगा। तो जो हमारे सर्वाइकल से बायोप्सी लेने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, सर्वाइकल बायोप्सी फॉर्सेप्स ना। किसी भी जो महिला है, किसी भी फीमेल में सर्वाइकल में कोई सिस्ट वगैरह या ऐसी कोई बीमारी हो जाने के बाद, जिसको हमको क्या करना पड़ता है, डिसीज होने के बाद बायोप्सी लेके टेस्ट कराना पड़ता है, सिस्ट, फाइब्रस, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे बायोप्सी लेने के लिए हम किस फॉर्सेप्स का यूज करते हैं, सर्वाइकल बायोप्सी फॉर्सेप्स का यूज करते हैं। अब उसके बाद आता है मायोमेक्टोमी। मायोमेक्टोमी का मतलब क्या होता है, जो हमारे मतलब हमारा नहीं सॉरी जो फीमेल्स का क्या होता है, यूट्रस होता है, क्या होता है, फीमेल्स के यूट्रस, फीमेल के यूट्रस में ना क्या हो जाता है, कभी कभी कैंसर की सिस्ट हो जाती है ना, कभी कभी कैंसर के टिश्यू हो जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं, कुछ फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, जो क्या होता है, जिसमें यूट्रस का कैंसर हो जाता है, यूट्रस के चारों ओर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं छोटे छोटे से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिस्ट भी बोल सकते हैं, फाइब्रॉइड सिस्ट बोल सकते हैं। तो उन यूट्रस को नहीं निकालना, केवल हमको उन फाइब्रॉइड्स को निकलवाना है ऑपरेशन के थ्रू, है ना, यूट्रस रिमूव नहीं कराना, क्या करना है, उन फाइब्रॉइड्स को निकालना है। तो उन फाइब्रॉइड्स को निकाल
निकालने के लिए क्या किया जाता है, मायोमेक्टोमी किया जाता है। क्या किया जाता है? मायोमेक्टोमी। तो मायोमेक्टोमी एक सर्जरी होती है, ठीक है। उस सर्जरी में क्या किया जाता है, यूट्रस में होने वाले सिस्ट या फाइब्रॉइड्स को निकालने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, मायोमेक्टोमी। तो ये मायोमेक्टोमी क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इसका यूज कब किया जाता है, मायोमेक्टोमी सर्जरी में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट देखे, एपिस्टियोटॉमी सीजर, जब डिलीवरी के टाइम पे कट करने की जरूरत पड़ती है तो सीजर का यूज किया जाता है। ओवम फॉर्सेस, यूट्रस में अगर कोई ऐसा सब्सटेंस रह गया है ना जो इन्फेक्टेड हो सकता है ना बेबी से रिलेटेड, तो उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओवम फॉर्सेस। हेगोसाइलेटिस की अगर हम बात करें तो सर्विक्स का साइज बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हेगोसाइलेटर का यूज किया जाता है। उसके बाद हम हॉकिंस यूटरस डायलेटर का यूज करें तो ये 16 साइज के होते हैं, मतलब 16 अलग अलग साइज के होते हैं। इसका यूज भी किस लिए किया जाता है, सर्विक्स को फैलाने के लिए। ये यूटराइन साउंड का यूज किस लिए किया जाता है, गर्भाशय मतलब यूटरस की साइज को लेने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। फिर ग्रीन यूटराइन फॉर्सेप, ग्रीन यूटराइन फॉर्सेप का मतलब जब क्या होता है, सिजेरियन होता है। सिजेरियन टाइम पे यूटरस जब नीचे से ब्लीड करता है तो उसके ब्लीडर्स को बंद करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोमेट्रियल बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी का यूज एंडोमेट्रियल से बायोप्सी लेने के लिए किया जाता है। सर्वाइकल बायोप्सी, सर्वाइकल बायोप्सी मतलब हमारे सर्विक्स से बायोप्सी लेने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और मायोमेक्टोमी जो सर्जरी होती है उस टाइम पे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो हमने गायनेकोलॉजी के सारे इंस्ट्रूमेंट देख लिए हैं, अब हम स्टार्ट करें कौन से इंस्ट्रूमेंट, ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।